आलो चेत को मेरा मेले जोनो नन बेणी का गरा आस लागी होली मेरी बेणा दादा आलो बिटोली लिबेरा आस लागी होली मेरी बेणा दादा आलो बिटोली लिबेरा दोस्तों नमस्कार, सीसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश पांडे। उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ तीज त्योहार मेलों का प्रदेश भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहां हर दिन हर माह कोई न कोई तीज त्योहार लोक पर्व अथवा मेले आयोजित होते रहते हैं। त्योहार व मेलों को आयोजित करने की भी यहां एक विशिष्ट शैली है। आज हम बात करेंगे यहां के लोक पर्व और लोक संस्कृति भिटोली पर। भिटोली का नाम आते ही पहाड़ की हर महिला भावुक हो जाती है, और हो भी क्यों नहीं। दरअसल भिटोली शब्द से महिलाओं का भावनात्मक लगाव जो है। वैसे तो उत्तराखंड में अनेक त्यौहार होते हैं, वैसे तो उत्तराखंड एक त्योहारों का राज्य है, लेकिन उसी त्योहारों में एक महीना आता है जिसको हम चैत का महीना बोलते हैं। ये एक ऐसा महीना है जिसमें भिटोली आती है, भिटोली दी जाती है, और भिटोली किसके घर आती है, बेटियों के घर दी जाती है। तो उस इस भिटोली के महीने में या चैत के महीने में इसको भी एक त्यौहार की तरह उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसमें ये होता है कि जो भाई होता है वो अपनी बहन से भेंट करने के, क्योंकि भिटोली का मतलब ही होता है भेंट करना, या अपनी बहनों को कोई त्यौहार में उपहार देना या पकवान, ये सब चीज़ें हम इस चैत के महीने में बहनों को देते हैं। भाई का अपने बहन के प्रति जो प्रेम होता है वो इस महीने में दिखाई देता है, और माता पिता से जब बेटी मिलने जाती है या माता पिता जब उनसे मिलने आते हैं तो उनकी स्थिति उन्हें पता चलती है। हर साल चैत माह के महीने में बहन बेटी को दी जाने वाली भावना तो भेंट ही भिटोली कहलाई जाती है। भिटोली में पकवान अथवा चंद्र रूपियों की भेंट नहीं है, बल्कि भाई बहन के अटूट प्रेम रिश्ते, माता पिता के आशीर्वाद का वो एक अटूट बंधन है जिसे कोई भी परिवार अछूता नहीं रह सकता है। भिटोली परंपरा के पीछे भावनात्मक, सामाजिक व धार्मिक कहानियां प्रचलित हैं। भिटोली हमारे उत्तराखंड का, विशेष रूप से हमारे कुमाऊं क्षेत्र का एक अनूठा पर्व है, जिसमें ये एक, इसको हम धार्मिक पर्व कहें या सांस्कृतिक कहें या पारिवारिक पर्व कहें, इसके लिए कोई अलग से नाम तो नहीं है, लेकिन दो परिवारों का और भाई बहनों के मिलन का एक अद्भुत त्यौहार है जो पूरे महीने भर चलता है। एक तो नए वर्ष के नव ऋतु आने पर, वसंत ऋतु आने पर उस महीने का स्वागत के पक्ष में है, दूसरा भाई बहन का मिलन का है, और इसके पीछे एक जनश्रुति चल रहा है कि संभवतः ये नागवंश के समय में रहा था, काली नाग नामक एक राजकुमार था, तो एक और राजा भानदेव थे, उनकी पत्नी कौशल्या और भानदेव का जिक्र इसमें आता है जनश्रुति में। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने नागवंश की नाग देवता की पूजा की, तो उनको वरदान मिला कि उनके घर में पुत्री के रूप में संतान तो होगी, लेकिन उसका विवाह काली नाग के साथ करना पड़े, तो ये शर्त काली नाग ने रख दी। तो जब भानदेव और कौशल्या की पुत्री हुई, उसका नाम रखा गोरीधना, गोरीधना का विवाह फिर बाद में उस अर्थ के अनुसार से उनको कालीनाग से करनी पड़ी, और उसकी 11 वर्ष में उसका विवाह हो गया। और जैसे कि है कि पहले हम आवागमन के कोई साधन नहीं थे, क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत दूर तक विवाह हो जाते थे, तो शादी के बाद माता पिता के घर गोरीधना का आना भी नहीं हुआ, और सचदेव और जो भानदेव थे और कौशल्या थी वो भी कभी गए ही नहीं, मतलब एक तरह से ऐसा विश्व उनका हो गया कि उन्हें ससुराल कहाँ था, तो न रास्ता देखा न ससुराल का गांव देखा था। तो बहुत बाद में सचदेव नाम का एक पुत्र भी उनका हुआ, भानदेव कौशल्या का,
जब वो बड़ा होने लगा तो उसने देखा कि वो सबके भाई बहनों के साथ खेल रहे हैं, इस तरह से हो रहा, तो उसने एक प्रश्न किया नायास की कि क्या माँ बाप से कि क्या मेरी कोई बहन नहीं थी। तो उन्होंने कहा तेरी बहन तो है लेकिन बहुत जल्दी उसकी शादी हो गई थी और बहुत दूर है। तो जैसे भांदे बढ़ा उसने कहा मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। तो वो इस शर्त में जीत के साथ पूछते पूछते कुछ मिठाइयाँ कुछ चीज़ें पर पारितोषी लेके वो जाने लगा। तो वो दूर दर पूछते पूछते वो भांदे वहाँ गौरीधना के गांव पहुँच गया। इतिहास के जानकार बताते हैं कि भिटोली शब्द ही हिंदी के भेंट शब्द से निकला है। उत्तराखंड की लोक कथाओं तथा दंत कथाओं में भी भिटोली का जिक्र मिलता है। चैत के महीने में पहाड़ की हर बहन बेटी को इसका इंतजार रहता है। हालांकि बदलते परिवेश में इस लोक पर्व को मनाने का तरीका जरूर बदला है, लेकिन पहाड़ की बहन बेटी के इस भावनात्मक लगाव को कम नहीं किया जा सकता है। और ये इसकी जनश्रुति आती है। और वहाँ गौरीधना ने देखा कि उससे पहले उसका मिलन उसकी ननद से हो गया, अर्थात कालीनाग की बहन से हो गया। तो बहन ने कहा कि हाँ गौरीधना का यही घर है, यही गांव है, वो मेरी भाभी है और मैं वो अभी जंगल गई है तो मैं उसको बुला दो, तुम बैठो। तो जब तक वो वहाँ उसका बहन का इंतज़ार कर रहा था तो भाई जो है उसने उसके मन में कुछ पाप जैसा पैदा हुआ कि उसने कहा ये हो सकता है इतने दिनों बाद आ रहा है ये बहन को तो पता ही नहीं था मेरा भाई भी है करके, ये कहीं कोई इसका कोई पुराना संबंधी रहा हो। उसने अपने भाई से शिकायत कर दी कि एक लड़का आया है वो भाभी को बहन करके अपने साथ बुला ले गया। तो भाई और बहन ने अपना परिचय दिया उसने कि मैं ये हूँ और आपका भाई हूँ, तो उनका परिचय हुआ। उसने कहा कि ईजा बाबू आपको बहुत याद कर रहे हैं और तुम एक बार चलो। वो दोनों जब जाने लगे तो वो रास्ते में बैठे थे और उसने जो बहन थी उनकी कालीनाग की उसने कालीनाग के मन में शक पैदा कर दिया। उसने कहा इसका कोई पुराना मित्र हो सकता है। वो गया उसने आओ देखा ना ताओ देखा और दोनों को उसने तमाम रास्ते में पकड़ा और माँ दोनों को की हत्या कर दी। तो इसी उसमें जब उसके बाद पता चला कालीनाग को कि ये तो मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, वो वास्तव में उसका भाई था, मेरा शाला था, उसने कष्ट होके उसने वो जैसे काली नदी में छलांग लगा रहा था तो उसको फिर आया कि मैं क्यों जो ऐसा अनायास पाप मेरे साथ हो किसी और के साथ ना हो, भाई बहन के बीच में ऐसा बिछो पैदा न हो, ऐसा दुर्भावना पैदा न हो। इसलिए उसने अपने गांव में एक पंचायत की और वहां पर एक निर्णय लिया कि मेरे कहने से आज बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत गलती होगी, भाई बहन के पवित्र संबंध को मैं नहीं समझ पाया हूँ। और इस कारण ये इसका एक ही पक्ष था कि शादी के बाद विवाह के बाद न मैं अपने ससुराल गया न मेरे सास ससुर या उसके मेरे शाला कभी मेरी अपनी पुत्री से मिल जाए, यही कारण था कि हम दोनों एक दूसरे घर से अपरिचित हो गए और पता ही नहीं चल पाया। इस अपरिचित से और इस भ्रम की स्थिति से मेरे तरह के पाप हो गया। तो आज से मैं सभी से निवेदन करता हूँ कम से कम वर्ष में एक बार अपनी बहन अपने मायके जरूर जाए और ससुराल के साथ अपने संबंध बने पाए और भाई अपने बहनों के साथ या पिता अपने पुत्री के साथ मिलने वर्ष में इस चैत्र के महीने में जरूर जाएँ ताकि ऐसी स्थिति किसी और की ना हो, ये एक जनश्रुति मिलती है। तो दूसरा ये जनश्रुति तो है लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा बन गई, जो आप इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक उल्लेख तो नहीं है लेकिन धीरे धीरे बन गया। प्रत्येक महीने में उसने कहा सबसे पहले मैं अपनी बहन को भिटोली देने जाऊँगा और अपनी पकवान ले जाऊँगा, पारितोषिक ले जाऊँगा, जो भी भेंट स्वरूप कपड़े गहने आदि जो भी संभव जिसकी सामर्थ्य जैसे हो वो अपनी बहन को इस महीने देने जाएंगे। तो ये परंपरा चल पड़ी और आज तक ये परंपरा बदस्तूर हमारे कुमाऊँ में जारी है और इसका बहनों को बहुत बड़ा इंतजार रहता है। और इससे एक सामाजिक ताना बाना भी हमारा मजबूत हुआ है, जैसे कि अगर हम मान लिया साल भर बहन के घर नहीं जाते हैं या ससुराल मायके के संबंध में हो तो इससे आपस में ससुराल समधी समधन का जो रिश्ता होता है वो समधी का मतलब संबंधी तो वो पैदा होता है। दूसरा ससुराल में पुत्री की स्थिति का पता चल जाता है, ससुराल से आना जाना होता है, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो हम कई लोगों का परिचय एक दूसरे से होता है, तो उससे भी हमारा सामाजिक ताना बाना बड़ा मजबूत हुआ है। और ये कुमाऊँ की अनूठी परंपरा जो भले ही आज के तकनीकी युग में बदल गई है लेकिन बहन और भाई का वो पवित्र रिश्ता आज भी कायम है। और
और दूसरा ये भी है कि जो पुराने समय से जो ये प्रथा चली आ रही है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक बहन जो है जिसको हम विदा कर देते हैं अपने घर से, तो जब वो दूसरे घर चली जाती है तो बहुत टाइम बाद वो अपने माता पिता से मिल पाती है, अपनी बहन बहन भाइयों से बहनों से मिल पाती है। तो इसी के लिए एक पूरे साल में हम एक चैत के महीने में अपनी बहन को भिटौली के तौर पर या अपने माता पिता से मिलने के लिए ये एक प्रेम का प्रतीक के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं या इस चैत के महीने में भिटौली को मनाते हैं। आपको लगता है कि महिलाओं को इसका बड़ा अभिषेक? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो साल भर अपने ही ससुराल में रहती हैं, तो एक महीना ऐसा होता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें उनके माता पिता या उनके भाई में से कोई उनसे मिलने आएगा, उनके लिए कोई भी उपहार या कोई भी चीज़ लेके आएगा जिससे कि वो अपनी उनको मतलब अच्छा लगे। तो ये है कि आज के टाइम पे ये चीज़ें थोड़ा कम होती जा रही हैं, क्योंकि आजकल ये होता है कि भाई अब परिवार कितना भी संपन्न क्यों ना हो जाए पर फिर भी एक बेटी को अपने भाई से या अपने पिता से इस चीज़ की वो रहती है कि वो एक दिन उनसे मिलने के लिए अवश्य आएँ, लेकिन धीरे धीरे ये प्रथाएँ कम होती जा रही हैं, तो हम इसके लिए थोड़े प्रयास करने चाहिए। पहाड़ की हर बहन बेटी को भिटौली महीने की शिशिर परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जब आलो चेत को मेरा मिले जोनो नन बेणी का गहरा आस लागे होली मेरी बेणा दादा आलो भिटौली लीवेरा।